आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाग पंचमी पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में किए प्रतिभाग, बुधवार को विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने के उपरांत दोपहर बाद लखनऊ के लिए होंगे रवाना। नागपंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान के साथ किया रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक कर संसार के लोक कल्याण की कामना। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। कहा, सरकार ने खेल व खिलाड़ियों के लिए खोल रखा है खजाना। पीएम मोदी के खेलो इंडिया अभियान से गांव-गांव खेल व खिलाड़ियों को मिला प्रोत्साहन। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित हुए मधुसूदन त्रिपाठी। गोरखपुर दीवानी न्यायालय बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मधुसूदन त्रिपाठी का किया जोरदार स्वागत। कहा, अपने 6 महीने के कार्यकाल में अधिवक्ताओं के लिए करूंगा कुछ ऐतिहासिक कार्य। योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को 125 करोड़ की विकास परियोजनाओं के साथ नगर निगम के 25 डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के मैजिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। नागपंचमी के अवसर पर शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र में दर्शकों को टिकट में 50% की दी गई छूट। लोगों ने सांप घर में पहुंचकर नाग देवता का किया दर्शन। अन्य जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर उठाया लुफ्त। प्रदेश सरकार को टिकट में छूट देने पर दिया धन्यवाद। पुरवाई कला के संस्थापक डॉक्टर राजीव केतन की द्वितीय पुण्यतिथि पर लोक मात्र कला उत्सव के साथ 2 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ समापन। ललित कला विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष व पर स्नातक के छात्र को स्मृति चिन्ह और अभिनंदन पत्र देकर किया गया सम्मानित। सावन मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया गया नाग पंचमी का त्योहार। कहा, नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष से मिलती है मुक्ति। चाकू से जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त सिकंदर कुमार को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त चाकू किया बरामद, भेजा जेल। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की 8 दिवसीय राष्ट्रीय साहसिक यात्रा के लिए 75 नौजवान बजरंगियों का जत्था हुआ रवाना। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री शगुन श्रीवास्तव ने यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। कहा, प्रति वर्ष आयोजित होने वाली इस यात्रा से रुका हिंदुओं का पलायन। और तपती धूप और उमस के 2 दिनों के बाद बारिश होने से लोगों को मिली राहत। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नदियों की अभी भी स्थिति है सामान्य। 2 दिनों की बारिश होने से कहीं से प्राप्त नहीं हुई है जन धन की हानि की सूचना।